आज उन चीज़ों में बदलाव हुए हैं पिछले 7 सालों में? जी पूरी तरीके से, मैं कहूँगा कि पूरी तरीके से बदलाव हुए हैं। महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और कहीं भी वो जाए खुलेआम घूम सकती हैं, रात बिरात घूम सकती हैं। मैं पूरी तरीके से कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर और दंगा मुक्त जो समाज है, और ये योगी सरकार जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी उन्हीं की सरकार बने। आगे केंद्र में मोदी जी की सरकार रहे और यहाँ प्रदेश में योगी जी की सरकार रहे। हाँ 100% काफ़ी चेंजेस है। लॉ एंड ऑर्डर तो आपको पता ही है काफ़ी अच्छा हो गया है। तो ऑब्वियसली बीजेपी की ही आ रही है जिस हिसाब से चल रहा है, तो पीएम मोदी जी ही बनेंगे। पीएम मोदी जी बनेंगे, नो डाउट। मोदी का, मोदी क्यों? बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ डेवलपमेंट, द काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट ही ब्रॉट। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, यूपी को अच्छे तरह संभाल रखे हैं। पहले जो सुनते थे आप नहीं सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में, जहां पर हम जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जब से कार्यभार संभाले हैं तब से वो एक सीएम के तौर पर किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार वाकई में कारगर है या नहीं। इन 7 सालों में, यानी कि 2017 से लेकर के 2024 की बात करें, पूरे 7 साल हो चुके हैं सीएम योगी की कार्यकाल को, ऐसे में कितना ज्यादा बदलाव आज उत्तर प्रदेश में जनता देख रही है। सीधे हम जनता से जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की छवि में क्या बदलाव हुए हैं। क्या आज उत्तर प्रदेश माफियाओं का गढ़ कहा जा रहा है, दंगा युक्त प्रदेश कहा जा रहा है, या फिर उत्तम प्रदेश कहा जा रहा है? तो इस वक्त तमाम लोग हमसे मौजूद हैं, डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशुतोष पांडे। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से ही हूँ। अच्छा, लखनऊ से हैं आप। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सीएम योगी आदित्यनाथ की, किस तरीके का कामकाज है उनका? 7 साल हो चुके हैं सीएम है वो, कैसा लगा उनका काम? बहुत अच्छा कामकाज है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, रोजगार बढ़े हैं, युवाओं के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं, चाहे वो आयुर्वेद का सेक्टर हो, चाहे होम्योपैथ का सेक्टर हो, MBBS का सेक्टर हो, या इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, हर सेक्टर में रोजगार है। पूरी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि 100% डबल इंजन की सरकार अच्छे से कार्य कर रही है। जैसे आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी है, तो पहले उत्तर प्रदेश को माफियाओं का गढ़ कहा जाता था। यहाँ पर आए दिन बहुत सारे दंगे देखने को मिलते थे, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, एक तरीके की इमेज थी यूपी की। आज उन चीज़ों में बदलाव हुए हैं पिछले 7 सालों में? जी पूरी तरीके से, मैं कहूँगा कि पूरी तरीके से बदलाव हुए हैं। महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और कहीं भी वो जाएं खुलेआम घूम सकती हैं, रात बिरात घूम सकती हैं। मैं पूरी तरीके से कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर और दंगा मुक्त जो समाज है, और ये योगी सरकार जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी उन्हीं की सरकार बने। अच्छा, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी हैं और राज्य में योगी हैं, डबल इंजन की सरकार से कुछ प्रॉफिट होता है वाकई में, जो सड़कें हों या फिर तमाम चीज़ें हों, कुछ असर देखने को मिलता है? जी पूरा प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो भी यहाँ से योजनाएं जाती हैं वो आगे अगर यही सरकार, वो भाजपा की भी होगी और केंद्र में भी सरकार अगर वही होगी, तो जो योजनाएं यहाँ से जाएंगी उनका क्रियान्वयन बहुत तुरंत होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि डबल इंजन की सरकार का पूरा पूरा फायदा मिलता है। अच्छा, केंद्र में मोदी हैं, 10 साल हो गए हैं, कैसा कामकाज रहा उनका? जी बहुत बढ़िया कामकाज चल रहा है। जैसे कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, तो आयुर्वेद के सेक्टर में जब से 2014 से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बन गई 9 नवंबर 2014 को, और 2014 से ही मोदी जी की गवर्नमेंट है, फिर 2014 से लेकर 19 हुआ और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लगातार कार्य कर रही है, लगातार MOU हो रहे हैं, जो जहाँ पर कि आयुर्वेदिक दवाएँ बाहर एक्सपोर्ट नहीं होती थी वहाँ पर आयुर्वेदिक दवाओं का एक्सपोर्टेशन हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि आयुर्वेदिक नहीं, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आगे केंद्र में मोदी जी की सरकार रहे और यहाँ प्रदेश में योगी जी की सरकार रहे। आपको लगता है कि थर्ड टर्म एक बार फिर से पीएम मोदी आएंगे और 400 का जो टारगेट है, 400 सीटों का, वो क्रॉस कर पाएगी NDA? बिल्कुल पूरी तरीके से कर पाएगी। का मुकेश कुमार, कहाँ से आप? रांची। अच्छा, रांची से हैं आप, तो बताइए यहाँ पे आप आ करके लखनऊ में कैसा लग रहा है आपको, कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है यूपी में? हाँ बदलाव तो है, थोड़ी शांति है। ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के माफियाओं का गढ़ कहा जाता था, इसमें कुछ बदलाव नज़र आ रहा है? मैं यहाँ लास्ट 3 मंथ से हूँ, ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं किया हूँ, मतलब जो सुना था उससे तो डिफरेंट है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, यूपी को अच्छे तरह संभाल रखे हैं। पहले जो सुनते थे आप नहीं सुनते हैं, पहले बहुत सारे जो भी आप पहली बोली कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर उतने अच्छे नहीं था, आप बहुत अच्छे हैं, आप सारे कंट्रोल्ड मैनर में यूपी की रूलिंग हो रही है, तो सब अच्छे हैं।
अच्छा, क्या लगता है लोकसभा 2024 के चुनाव में किसकी सरकार आ रही है? क्या एक बार फिर से मोदी आएंगे या फिर विपक्ष से राहुल गांधी, ममता बनर्जी जैसे बड़े नाम? अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, जो चल रहा है वही चलेगा हमें ऐसा लगता है। मतलब मोदी आएंगे? ऐसे 100% तो कोई कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन जैसा लोगों का ओपिनियन है उसके हिसाब तो वही लगता है जो आप बोलना चाह रही हो। सर, क्या नाम है आपका? रजत। कहाँ से हैं? हम लोग हरियाणा से। हरियाणा से हैं। हरियाणा में यहाँ पे यूपी में आए हैं, कैसा लग रहा है? कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में? हाँ, 100% काफ़ी चेंजेस है। लो एंड ऑर्डर तो आपको पता ही है, काफ़ी अच्छा हो गया और वैसे भी डेवलपमेंट के मामले में भी काफ़ी अच्छा यूपी चल रहा है और उम्मीद है कि आगे भी बीजेपी सरकार ही रहेगी और डेवलपमेंट भी करेगी। अच्छा, अगर हम बात हरियाणा की करें या फिर यूपी की करें, दोनों का सेम कंडीशन है, यानी कि डबल इंजन की सरकार है। आपको लगता है कि कुछ प्रॉफिट होता है इससे डबल इंजन की सरकार में, जनता तक सुविधा जल्दी पहुंचे या फिर रोड की कनेक्टिविटी, ये तमाम चीज़ें अच्छे से होती है वहाँ पे? एडवांटेजेस ज़्यादा है, डिसएडवांटेजेस भी रहती हैं हर चीज़ की, बट एडवांटेजेस ज़्यादा है, 100% फायदा ही है डबल इंजन। अच्छा, इस बार PM कौन बन रहा है? PM मोदी जी बनेंगे। मोदी क्यों? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, बहुत सारे नाम हैं विपक्ष में। अभी फिलहाल इस ईयर में तो उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, इन फ्यूचर वो भी बन सकते हैं, बट अभी मोदी जी ही बनेंगे 100%। सर, क्या नाम है आपका? रोशन। कहाँ से हैं? हिमाचल। हिमाचल से हैं आप, वहाँ पर किस तरीके की सरकार चल रही है? हाँ, हिमाचल या यूपी, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के? देखो, मैं तो अभी यूपी में दिसंबर में ही आया। अगर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो मैंने सावधान इंडिया में सुना था कि ऐसा होता वैसा होता है, ऐसा वैसा कुछ दिखा नहीं। हिमाचल में तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब लोग जो भी आते हैं इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट्स के लोग सुनते हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल दें, हमारे वहाँ पे ऐसे ओपन में हम नशा नहीं कर सकते, दुकानों में पॉलीथीन भी बैन है, बैन कह दिया गवर्नमेंट ने तो हर जगह बैन है, तो सब लोग मानते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर मतलब लोग भी वहाँ पे सही करने के लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब दोनों तरफ से है, लॉज भी बनते हैं और हम लोग भी मानते हैं। केंद्र में किसकी सरकार आ रही है, PM कौन बन रहा है? सरकार अगर जिस हिसाब से हम रिव्यू देखें तो ऑब्वियसली BJP की ही आ रही है, जिस हिसाब से चल रहा है तो PM मोदी जी ही बनेंगे। मतलब BJP से कोई और कैंडिडेट है नहीं, जो आगे प्रोजेक्ट हुआ है तो अभी तक तो वही रहेंगे। एक तरफ पूरा का पूरा विपक्ष है, इंडिया अलायंस है, उसमें से कोई मजबूत चेहरा? उसमें से मजबूत चेहरा तो अलायंस ही डिसाइड करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो मजबूत चेहरे के अकॉर्डिंग बनाएंगे, वो डिपेंड करेगा अलायंस में कौन ज़्यादा सीटें ले जाएगा, बनेगा तो उसी में से जिसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, अगर इन केस अगर लोग उन्हें ढूंढते हैं। बट अगर मार्केट सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा लग नहीं रहा। सर, क्या नाम है आपका? वीरेश हूं मैं। कहाँ से? कर्नाटक से। अच्छा, कर्नाटका से हैं। केंद्र में इस बार किसकी सरकार बन रही है? नो डाउट मोदी का। मोदी क्यों? बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ डेवलपमेंट, द काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट ही ब्रॉट, जो भी इम्प्रूवमेंट्स था है ना, नो डाउट है। बट एंड ऑल्सो देर इज़ नो पक्का अपोजिशन पार्टी नहीं है, नो बडी इज़ देयर टू अपोज हिम, सो नो डाउट ही विल कम। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे काम कैसा है? काम तो उनका फ्री में ही चला गया सब कुछ। फ्री बीस नथिंग इज उतना वो नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है। अच्छा, फ्रीबीज से कुछ प्रॉफिट होता है पब्लिक को? डेवलपमेंट नहीं हुआ, फ्रीबीज हुआ है लेकिन डेवलपमेंट चाहिए ना। अभी एक साल हो गया, टिल 4 इयर्स इज देयर, देखना है क्या चलता है।